हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मलाई कोफ्ता। तो ये एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये कम से कम 300 ग्राम ये कीमा था। कीमा थोड़ा मोटा ही मोटा है, और कीमा को अच्छे से धो लेना है, धो करके छान लेना है। और इसमें 50 ग्राम बेसन गया हुआ है, थोड़ी सी भूखी मिर्ची पाउडर है, कुर्ते भर का नमक है, और काली मिर्च जीरा पिसा हुआ है, और इसमें 65 मसाला है, और गरम मसाला पाउडर है 2 चम्मच, और धनिया पाउडर है। तो ये सब मसाला इसमें जा चुका है, क्योंकि इसको थोड़ा भिगाना रहता है तो अच्छा कोफ्ता बनेगा। इसके लिए इसको कम से कम 15 मिनट हो गया इसको भिगा करके। अब इसमें ऐड करने के लिए देखिए मिक्स करना पड़ता है, तो इसके लिए मिक्स करके मैंने रख दी थी इसको। तो अब यहाँ पर देखिए, बघार के लिए देखिए 6 हरी मिर्ची है, 3 सूखी मिर्ची है, और 25 ग्राम के अंदाज मैंने काजू ली हूँ, और आधा कांधा कटा हुआ है बारीक, 3 छोटी इलायची है, 1 टुकड़ा लाल चीनी का है, और ये 10-12 ये काली मिर्च जीरा है, काली मिर्च है मतलब, और ये देखिए ये तेज़पत्ता है, 1 बड़ी इलायची है बघार में जाएगा, और इधर देखिए प्याज है, 100 ग्राम के लगभग प्याज है। ये प्याज सब मसाले में पीसने में जाएगा, और 2 बड़ा टमाटो ली हूँ, ये टमाटो भी इसमें जाएगा। इधर देखिए ये लहसुन का पेस्ट है, पेस्ट डालेंगे इसमें, और यहाँ पर ये हरा प्याज है, अभी सीजन का प्याज है, तो ये काट के रखी हूँ, इसमें से सजाएंगे भी और थोड़ा मसाले में भी जाएगा पीसने में। तो अब हम बनाने की तैयारी करेंगे। तो देखिए इधर कढ़ाई मैंने चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई गर्म हो गया है, तो सबसे पहले ये सब तल लेंगे, थोड़ा तेल ऐड करेंगे यहाँ पर, इसमें ज़्यादा तेल नहीं ऐड करना है, यहाँ पर 1.5 चम्मच तेल ली हूँ, और थोड़ा सा हम यहाँ पर जीरा ले लेंगे, तेल गरम हो गया है तो। और बघार के लिए देखिए कांधा है कटा हुआ, ये भी ले लेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर तेल उड़ रहा है तो थोड़ा यहाँ पर हम नमक ऐड कर देंगे हल्का सा, इसको हल्का भून लेंगे। अभी इसको हम ब्राउन कलर का भून करके निकाल लेंगे यहाँ पर। देखिए प्याज भून के हो गया, तो यहाँ पर इसको छान करके निकाल लेंगे। यहाँ पर हम काजू भून लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है नहीं तो इसकी प्रोटीन खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए हरी मिर्ची है, लाल मिर्ची है, सब भून लेना है, छोटी इलायची भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं, हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये प्याज है, और थोड़ा सा हरा धनिया है, वो ऐड कर देंगे। और ये देखिए जो तेजपत्ता है ना, ये भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ये भून के पीस के डालिएगा तो और भी खाना अच्छा बनता है इसे तेजपत्ता से। और यहाँ चूल्हा खास रखना है। और यहाँ देखिए मेरे पास में पत्ते वाला प्याज है, तो उसको हम ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। ये ज़रूरी नहीं है आपके पास है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी मिलता नहीं रहता मार्केट में। और यहाँ पर देखिए मेरे पास टमाटो है, टमाटो भी ऐड कर देंगे, इसको कम से कम 3 मिनट तक भूनेंगे। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा नमक यहाँ पर लेना पड़ेगा, अभी इसके आगे नमक नहीं जाएगा, आप चाहे तो चख सकते हैं, कम ज़्यादा है तब डाल कर खा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे ये जो प्याज इसमें ऐड है वो सॉफ्ट हो गई है, तो इधर पे गैस बंद कर देना है और इसको ठंडा होने देना है, और फिर इसको बारीक पीस लेना है।
और यहाँ पर देखिए कोफ्ता तलने का है, तो यहाँ पर मैंने टोप चढ़ा दी, टोप में तलूँगी, इसी में सालन भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर टोप गर्म हो गया है, तेल हिसाब से ऐड करेंगे, तेल बच जाएगा तो आप दूसरे काम में ले सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए इसको थोड़ा सा और हम मिला लेंगे, और माशाल्लाह आधा घंटा हो गया होगा इसको मिक्स करके, तो अभी देखिए सॉफ्ट हो गया एकदम, मतलब बनाने में आसानी हो जाएगी, तो इसको गोल गोल बना लेंगे। कोफ्ता बनाना एकदम आसान है, हम लोग के गांव में तो थोड़ा अलग तरीके से भी बनता था, हम लोग के टाइम पर तला नहीं जाता था, वैसे ही बनता था वो कच्चे का। तो देखिए इस तरह से, तो देखिए पांच मैंने बनाई हैं, और आप चाहे तो मिक्सर जार में भी इसको आप पीस के बना सकते हैं, थोड़ा जो कीमा है ना थोड़ा मोटा मोटा है तो इसलिए गोल नहीं बन रहा है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम चूल्हा कम करेंगे, तेल गर्म हो चुका है, और एक 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 हम ऐड कर देंगे, तल लेंगे आराम से। यहाँ पर देखिए हम इसको पलट लेंगे, गरम कलर का भूनना है जैसे, तो देखिए यहाँ पर गरम कलर का भून के हो गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे, और दूसरा वाला है वो भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी ये कोफ्ता बन के तैयार हो गया है। तो देखिए यहाँ पर दूसरी खाने भी बना करके हो गया, इसको तो निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर तेल ज़्यादा है कढ़ाई में, तो आप जो अच्छा वाला तेल है घर का उसमें नहीं ऐड कीजिएगा, इसको अलग से निकाल लीजिएगा, नहीं तो क्या होता है जब रोटी वोटी हम बनाते हैं ना तो रोटी फूकेगा ना ये वाले तेल से, हिसाब से हम तेल इसमें रख रहने देंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि तेल बहुत गया है इसमें। अब देखिए बघार के लिए यहाँ पर जो मसाला हमने लिए इसको ऐड कर देंगे, हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, भून के हो गया। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हम ले लेंगे आधा इसमें से, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाला पीस लेना है, तो ये देखिए पीस के हो गया, इसको अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, चूल्हा साफ कर देंगे हम, इसको अच्छा थोड़ा भूनेंगे, खुशबू तो माशाल्लाह अच्छी आ रही है। अब यहाँ पर देखिए हम एक मिनट के लिए ढक्कन डाल के चूल्हा फास्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मसाला भून के हो गया, ऑलरेडी ये पहले से भुना हुआ था तो अभी थोड़ा भून दी हूँ। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अपने हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा, आपके फैमिली में कितने लोग हैं वो हिसाब से मतलब बना लीजिए। अभी हम इसको एक उबाल उबालने के लिए ढक्कन डाल देंगे, चूल्हा फास्ट कर देंगे। तो मसाले में देखिए एक उबाल आ गया है, तो यहाँ पर हम जो कोफ्ता बना के रखे हैं इसको ऐड कर देंगे, और ऐड करके यहाँ पर जो मैं फ्राई करके रखी थी प्याज था इसको हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम ढक्कन डाल के एक उबाल अच्छा उबालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कोफ्ता पका लेना है अच्छी तरह, तो अब ये बस तैयार हो गया है। तो इसमें ये अमूल फ्रेश क्रीम है, तो इस क्रीम को ऐड कर देना है। तो ये क्रीम हम इसमें से 2 चम्मच ऐड करेंगे, यहाँ पर गैस स्लो कर देना है, और ये देखिए
और इसको ऐड करने के बाद बस एक मिनट के लिए और पका लेना है। तो ये देखिए ये तैयार हो गई, ये है चिकन मलाई कोफ्ता। यहाँ पर गैस ऑफ कर देना है और अब हम इसको सजा लेंगे। तो अब हम इस ग्रेवी को सजा लेंगे। ये देखिए इस तरह से प्लेट में ये चिकन मलाई कोफ्ता, इसको निकाल लेना है। तो माशाल्लाह से ग्रेवी भी बहुत बढ़िया बनी है और कोफ्ते भी बिल्कुल सॉफ्ट है। इसको आप खा सकते हैं इस तरह से पाव के साथ, नान के साथ या फिर राइस के साथ। और ये देखिए ये जो हरे पत्ते वाली प्याज है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खाने में। इसको ऐसे ऐड कर देना है। और हरी मिर्ची से सजा लेना है। अगर से आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।